मूर्ख कछुआ। एक घने जंगल में एक तालाब था। तालाब पानी से भरा था, उसमें अनेक जीव रहते थे। वहीं तालाब में एक कछुआ भी रहता था। दो हंस उस तालाब में मछलियां खा खा कर अपना पेट भरते थे। एक दिन कई लोग तालाब पर आए और तालाब के चारों तरफ घूम कर बोले, कल इस तालाब से सारे जीव जंतु पकड़ लो। जब ये बात हंसों ने सुनी तो उन्होंने किसी अन्य तालाब पर जाने का निर्णय लिया। उनकी बात सुनकर कछुए ने भी प्रार्थना की कि वे लोग उसे भी साथ ले चलें। हंस तैयार हो गए। हंस एक पेड़ की टहनी का टुकड़ा या डंडी लाए। उसे दोनों हंसों ने दोनों सिरों से पकड़ लिया और कछुए ने बीच में से उसे मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए को समझाया कि वह रास्ते में मुंह ना खोले। रास्ते में लोगों ने देखा तो बोले, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है। कछुआ कुछ ना बोला। कुछ दूर जाने पर फिर लोगों ने देखा तो बोले, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है। कछुए से रुका ना गया, बोला, तुम मूर्ख हो, देख नहीं रहे कि हंस उड़ रहे हैं और मैं केवल लटका हूँ। मगर तब तक सब समाप्त हो चुका था। कछुआ धड़ाम से नीचे गिरा और गिरकर मर गया। शिक्षा: अपने कार्य को करते हुए दूसरों की बातें न सुनो। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना।